बारे में जिसे हम म्यूकरमाइकोसिस बोलते हैं, और इसके पेशेंट कहाँ पे देखे जा रहे हैं, कहाँ पे देखा गया था इन्हें, दिल्ली और गुजरात में देखा गया था। दिल्ली में श्री गंगाराम हॉस्पिटल है एक, वहाँ पे इसके कुछ पेशेंट देखे गए थे और ये बहुत ही ज़्यादा डेडली कॉज डिजीज होती है, फंगल डिजीज होती है, इसे ब्लैक फंगल डिजीज भी बोलते हैं, और ये आपके नोज एरिया से स्टार्ट होकर आई से ब्रेन तक भी जा सकती है। तो ये किन्हें होती है ये फंगल डिजीज है, जो COVID-19 पेशेंट से रिकवर हो चुके हैं उनमें ये डिजीज देखी गई है। क्यों ये उन्हीं को होती है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा स्टेरॉइड्स वगैरह, इतनी ज़्यादा मेडिसिन ले लेते हैं जब वो पेशेंट होते हैं, उन्हें इतनी ज़्यादा बीमारी होती है, उनकी इम्यूनिटी इतनी लो हो चुकी होती है इतनी दवाइयाँ खा के, तो उससे क्या होता है कि उनकी इम्यूनिटी इतनी लो हो जाती है कि उनको कोई भी फंगल, कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया उनके अंदर एंटर कर जाता है और ये डिजीज कॉज कर देता है। तो आप और भी बहुत सारे लोगों को हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि ये कोविड पेशेंट से जो रिकवर किए उनको ही होगी, जिनको डायबिटीज़ है और भी जिनको जो बीमारियां हैं उनको भी ये फंगल डिजीज़ हो सकती है। ये आपके मेनली नोज एरिया से स्टार्ट होती है, नोज एरिया से स्टार्ट होकर धीरे धीरे आपकी आईज एरिया तक चली जाती है, आई से पूरी आपकी आईज इतना पैरालाइज कर देती है पूरे नर्व्स को, आप ब्लाइंड हो सकते हो, पूरा आप ब्लाइंड हो जाओगे, आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा, इतनी ज़्यादा डेडली कॉज डिजीज है। या आपके ब्रेन तक भी चल जाती है, ब्रेन तक अगर आप चली जाएगी तो पूरी नर्व्स पैरालाइज हो जाएगी, जिससे इसे क्या, इसे बीमारी को क्या कहते हैं, मेनिनजाइटिस, जब आपकी ब्रेन तक पहुंच जाता है। तो आपको इसे बच के रहना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी इम्यूनिटी लो होगी तो आपको कोई भी फंगल, कोई भी वायरस आपके अंदर एंटर कर सकता है, तो आपको उससे बच के रहना चाहिए फंगल डिजीज वगैरह से। आपको बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्ट रहना चाहिए, आपको अपने घर में रहना चाहिए अभी, और कोरोना से बचना चाहिए, बिकॉज कोरोना होने के बाद भी आपको बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हो सकती हैं, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा लो हो जाएगी, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस आपके अंदर एंटर कर जाएगा। इसके सिम्टम्स क्या क्या दिखाई देते हैं, इसके सिम्टम्स होते हैं आपके फेस में स्वेलिंग आ जाएगी, आपको फीवर हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा, आपको चेस्ट पेन हो सकता है, आपको ब्रीथिंग में भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि नोज में अटैक करता है तो सिंपली ब्रीथिंग में भी प्रॉब्लम हो जाएगी, चेस्ट पेन होगा। तो ये सब इसके सिम्टम्स हैं। इसकी दवा ढूंढ ली गई है, लैम बी करके इसका नाम है, बट अगर आप पहले उसको टेस्ट करवा लोगे, अगर पहले आप उसको ट्रीटमेंट करवा लोगे तब आप बच सकते हो। अगर आप उसका ट्रीटमेंट अच्छे से लो, अगर आपको ये डिजीज़ हो जाती है तो आपके 50% चांस है बचने के। तो अगर आपको जैसे ही पता चलता है, आपको अगर लगता भी है आपको ये डिजीज़ है, तो आप तुरंत ही उसको चेकअप करवाएं और उसका ट्रीटमेंट करवाएं। ओके, एंड इफ यू लाइक माई वीडियो जस्ट गिव थम्स अप एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।